हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में इस्तेमाल होने वाली चटनी। आप उसको व्रत के डोसे के साथ खाइए, व्रत की रोटी के साथ खाइए, या आप पकौड़े के साथ भी, जो मैं आगे आने वाली रेसिपी बताऊंगी उसमें, उसके साथ खा सकते हैं। ये मैंने 1 कप के करीब धनिया ले लिया है, जिसको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। 1/2 इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 1/2 चम्मच जीरा लिया है। ये मैंने फ्रेश नारियल को के 8-10 टुकड़े छोटे वाले ले लिए हैं, मतलब 1/4 के करीब होगा नारियल। और 1 टेबलस्पून हमने खट्टा दही लिया है, थोड़ा दही खट्टा है। थोड़ा सा हम नींबू का जूस यूज करने वाले हैं, और ये हमने लिया है सेंधा नमक, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जार में डालते हैं ये कोकोनट। आप ये चटनी जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी, बहुत यमी लगती है और बहुत आसान भी है। ये हम डाल देंगे इसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक और धनिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, ऐसे करके हम सारा इसमें डाल लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें ये दही, सभी साथ में डाल देंगे, और नमक, सेंधा नमक व्रत में हम यूज करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार पहले कम डालिएगा, फिर टेस्ट करके देख लीजिए। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूं नींबू का रस। और अब इसको करते हैं ग्राइंड। और ये देखिए, ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह की हो गई है, थोड़ी थिक है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के ये मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। ये मैंने रोस्टेड मूंगफली का पाउडर बनाकर रखा हुआ है। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी, और थोड़ा सा हमें नमक और ऐड करना है। और इसको फिर ग्राइंड करते हैं और फिर टेस्ट करके देखेंगे। आइए खोल कर देखते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार है। जैसी आपकी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए ना चटनी की, आप वैसा उसको कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। और ये परफेक्ट है, ना ज्यादा फ्लोइंग है और ना ज्यादा थिक है। बहुत टेस्टी चटनी बनी है, जरूर बनाकर देखिएगा। और व्रत में ही नहीं, आप इसको वैसे भी खाकर देखिए, बहुत अच्छी है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। कितनी बढ़िया ये चटनी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।